हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार जैन दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइक के जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है और जानेंगे इसे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को मैं नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप चैनल को देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं देखने को मिलेगा कि मैं जहाँ पे जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसे मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे रेगुलरली देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आ जाते हैं वो नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया ये वॉक इन इंटरव्यू है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ सीनियर एपिडेमोलॉजिस्ट बायो स्टेटिस्टियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट आईसी कंसल्टेंट्स कम प्रोग्रामर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो भी जॉब है पोजीशन से ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 20 सितंबर 2021 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा विल बी कैरीड आउट ऑन 28 सितंबर 2021। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट ऑन 28 सितंबर 2021 बिटवीन 9:30 AM एंड 10:30 AM एट NCDC। तो यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्टली जो 28 सितंबर को आपको जो है जाना है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सामनाथ मार्ग दिल्ली 110054। तो वहाँ पे आपको आप अपने जितने भी आपके जो लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेके जो है आपको पहुँच जाना है 9:30 AM टू 10:30 AM के बीच। और वहाँ पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा सेम डेट एंड 28 सितंबर पे। और यहाँ पे आपको अपना जो लाइक रेज्यूम है वो सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो भी आपकी फोटो कॉपीज है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है टेस्टिमोनियल्स की, और आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी TDI आपको नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट भी लेके आने हैं, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल नॉट बी परमिटेड टू अपियर इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। तो जो पहला पोजीशन है वो सीनियर एपिडेमोलॉजिस्ट का, तो यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो यहाँ आपका आपका MBBS होना चाहिए रिकॉग्नाइज बाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से। अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए फील्ड एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे MBBS लाइक डिग्री आपके पास है बाई MCI और आपका यहाँ पे 7 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस है इन इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन विद अ फोकस ऑन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे देखिए, रेमुनरेशन आपको दिया जाएगा, एमोलूमेंट दिया जाएगा 1,25,000 पर मंथ दिया जाएगा। एज लिमिट 60 ईयर्स है। अगर हम बात करें बायो स्टेटिस्टिशियंस की, तो यहाँ पे देखिए, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD होना चाहिए या मास्टर इन बायो स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर या मास्टर इन स्टेटिस्टिक्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका लाइक एमोलूमेंट्स रहेगा वो आपका 75,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। यहाँ पे एज जो है 40 ईयर्स से आपकी जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव हेल्थ रिसर्च स्टडी और वर्किंग विद हेल्थ प्रोग्राम्स, तो आपको यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट का, तो यहाँ पे आपका जो है मास्टर डिग्री MTech MSc MS बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए या लाइफ साइंसेस में विद स्पेशलाइजेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका आपका होना चाहिए आफ्टर MTech या MS डिग्री और 3 ईयर्स आफ्टर MSc डिग्री इन द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एट डिविडेंड फ्रॉम पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल्स ऑफ हाई इंटरनेशनल रेप्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायरेबल जो है वो आपका कैंडिडेट होल्डिंग पोस्ट डॉक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने PhD कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम बात करें रेमुनरेशन की, वो आपको 75,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट है IT कंसल्टेंट कम प्रोग्रामर की, तो यहाँ पे जो है लाइक आपका एलिजिबिलिटी जो है वो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर PG डिग्री। एज नॉट अबव 40 ईयर्स। रेमुनरेशन आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपको दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप इस इन लाइक के इंटरव्यू में आप जो है पर्सनली जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।